हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सीसीटीवी का पावर सप्लाई आया है, तो देखते हैं पहले इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो पहले इसको खोल लेते हैं। अटपटे हैं, तो ये हमारा खुल गया है, तो देख लेते हैं। तो देखिए हमारा फ्यूज़ उड़ गया है, देखते हैं मालूम चलता है। और ये हमारा कैपेसिटर भी फूल गया है, तो देखते हैं दूसरा कैपेसिटर और फ्यूज लगाकर उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है या और भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो पहले ये हमारा निकल गया है, देखिए हमारा फूल गया था और फट भी गया था। तो इसको हम लगा देते हैं पहले, और इसको भी लगा देते हैं, और इसको यहाँ ठीक से बैठ जाए, वैसे भी बैठाना होगा। तो देखिए ये अच्छे से बैठ गया है, अभी हम इसको सोल्डर कर देंगे। इसको अब दूसरे को भी सोल्डर कर देते हैं। ये हमारा सोल्डर हो गया है, अभी ये जो हमारा फ्यूज है उसकी बारी, फ्यूज को भी निकाल देते हैं। ये देखिए हमारा फ्यूज निकल गया है, तो अभी हम नहीं लगाएंगे, हम पहले छोटा सा जम्पर वायर लगा के चेक करेंगे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर ये हमारा फ्यूज अलग से लगा देंगे। तो यह मैंने जम्पर लगा दिया है, अभी इसको चालू करके मैं टेस्ट करता हूँ कि इतना ही प्रॉब्लम था या और कुछ भी था। तो ये रहा हमारा प्लग, उसको मैंने इसमें लगा दिया है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर हटा देता हूँ। तो देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो गया है, मतलब और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे ब्रिज, ये जो हमारे रेक्टिफाइंग डायोड है, ये वो शॉर्ट हो सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड में कर देंगे, एक प्रॉब लगाया, दूसरा लगाया, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब दूसरी तरफ से लगाते हैं, तो अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब हमारा डायोड शॉर्ट हो गया है। अभी दूसरे की बारी, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसके भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और इसके भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और इसके भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। मतलब ये हमारे चारों चार डायोड शॉर्ट है। तो मैं ये निकाल के नए लगाता हूँ, फिर आपसे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी पुराने डायोड निकाल दिए जो हमारे शॉर्ट हो गए थे, अब इसमें नए डायोड में लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों डायोड नए लगा दिए, अभी इसको हम पावर देके देखते हैं कि शॉर्ट हमारा गया कि और भी शॉर्ट है। देखिए हमारा शॉर्ट तो चला गया है, पर हमारा जी अभी तक आउटपुट नहीं आया है, तो देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है अंदर। पहले तो हम देखते हैं हमारा कैपेसिटर चार्ज हुआ या नहीं, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर, हमारा कैपेसिटर यहाँ पर था, तो देखिए हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ तक तो आ गया है।
ये छोटे छोटे कंपोनेंट चेक बाद में करेंगे, पहला ये इस तरफ से बड़े बड़े कंपोनेंट देख लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमारा डायोड है वो शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए। तो देखिए हमारा डायोड ये शॉर्ट दिखा रहा है, डायोड शॉर्ट हो सकता है या फिर ये कैपेसिटर, तो सब बढ़िया दिख रहे हैं। तो हम पहले ये डायोड को निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ड्यूअल डायोड को बाहर निकाल दिया है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, पहले हम इसको कंटिन्यूटी रेंज में चेक करेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए हमारा डायोड शॉर्ट है, अभी दूसरा डायोड भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा डायोड तो शॉर्ट नहीं है, पर ये हमारा पहले वाला शॉर्ट है। देखिए ये शॉर्ट नहीं है, पर ये हमारा शॉर्ट है। तो इसको हम पूरा का पूरा चेंज कर देंगे, क्योंकि ये दोनों अंदर इंटीग्रेट ही आते हैं, इसलिए। अभी जो हमारा सर्किट है वहाँ भी देख लेते कि वहाँ कोई शॉर्ट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है, कोई बीप नहीं मिली हमको। देखिए ये जो आवाज़ आ रही है वो कैपेसिटर के चार्ज होने तक आ रही है, चार्ज होने के बाद बंद होने जा रही है। तो ठीक है, हम दूसरा जो ड्यूअल डायोड है वो लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा ड्यूअल डायोड मैंने ला दिया है, पहले हम इसको चेक करेंगे। देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई बीप नहीं आ रही है। वैल्यू तो आएगी अगर डायोड मोड में हम करेंगे तो। देखिए 269, और ये दूसरे डायोड से भी 279, मतलब करीब करीब वैल्यू आ रही है। अभी ये जो हमारा सर्किट था उसमें हम लगा देते हैं इसको। तो देखिए ये मैंने लगा दिया है, स्क्रू बाद में फिट करते हैं, पहले हम इसको सोल्डर करके चेक करेंगे। तो अभी इसको पावर दे दिया है, पर फिर भी हमारी जो आउटपुट एलईडी है वो नहीं चल रही है। और कुछ भी देख लेते हैं, जितने जितने बिगड़ी हुई चीज़ें सब बदल के देखते हैं, आप भी सीखेंगे और ये भी रिपेयर हो जाएगा। तो अभी मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी आईसी निकाल दी है, और मेरे पास एक दूसरा बोर्ड पड़ा था, उसमें शायद ये आईसी चालू है। तो ये निकाल के इसमें लगा के चेक करते हैं। तो मैं लगा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो इसमें से आईसी निकाली थी, LNK666E, वो इसमें मैंने लगा दिए। अब इसको हम पावर दे के देखते हैं कि ये चालू हुआ है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो SMPS है, पावर सप्लाई, वो चालू हो गया है। अभी देखते हैं कितनी आउटपुट ये दे रहा है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ तो आपको मल्टीमीटर दिखे। पॉजिटिव पॉइंट, ये रहा हमारा नेगेटिव पॉइंट। देखिए 13.53 वोल्टेज मिल रहा है। तो ये हमारा जो पावर सप्लाई है वो चालू हो गया है। अभी मैं इसको हीट सिंक लगा कर इसका जो बॉक्स है उसमें पैक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।